हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर एक नए वीडियो में। दोस्तों यदि आप एयरटेल यूजर्स हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा झटका लगने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद। हाँ दोस्तों, एयरटेल ने क्या किया है कि अपने प्रीपेड प्लान और पोस्ट प्लान्स और जो टैरिफ प्लान्स थे उन सभी की कीमत को इनक्रीज कर दिया है, पैसे बढ़ा दिए हैं। कितने पैसे बढ़ाए हैं, कितने प्लान्स पर और कब से लागू होंगे, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ डिटेल से। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना। इससे दोस्तों ये होगा कि आप हमारी फ्यूचर्स में आने वाली नई वीडियो को लगातार देख पाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की इस नई वीडियो को। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कौन सा प्लान पर कितने पैसे बढ़े हैं। तो चलिए, हम एयरटेल यूजर्स को दिया तगड़ा झटका, 501 रुपये तक हुए रिचार्ज महंगे। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों जैसे आप इसे पढ़ सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने यूजर्स को तकड़ा झटका देते हुए अपने प्रीपेड प्लान्स को 501 रुपये तक महंगा कर दिया है। तो दोस्तों, और इसमें 20 से 25% हर प्लान्स में वृद्धि की गई है। और दोस्तों मैं आपको बता, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये कीमतें 26 नवम्बर से लागू होगी। तो दोस्तों आपसे 26 नवंबर से पहले आप यदि आपका रिचार्ज ख़त्म भी नहीं हुआ तो एडवांस में कर लीजिए, ताकि जैसा आपका रिचार्ज ख़त्म होगा तो दूसरा आपका रिचार्ज एक्टिव हो जाएगा 26 नवंबर से पहले ही। हाँ दोस्तों, और ये प्लान सभी अभी एयरटेल ने घोषणा कर दी है, तो अभी जियो वोडाफोन ये सब करने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको एक और स्क्रीन पर दिखाता हूँ कि कौन सा प्लान पहले कितना था और अब कितना बढ़ चुका है। तो दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पहले 79 रुपये का जो रिचार्ज आता था उस 28 डेज के लिए, अब वो न्यू प्राइस आप देख रहे होंगे 99 का आएगा। और पहले जो 149 का रिचार्ज आता था 28 डेज के लिए, अब आएगा 179। और जो 219 का था वो आएगा 265 रुपये का रिचार्ज आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये सभी आप चेक कर सकते हैं कि सारे प्लान्स इस लिस्ट में दिए गए हैं, कौन सा कितने रिचार्ज बढ़े हैं। 399 पर, 479, 449 पर, 549, यानी कि 100 रुपये इन प्लान्स पर, जो नीचे अनलिमिटेड प्लान्स दिए गए हैं उन पर 100-100 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। 379 रुपये का था वो 455 रुपये का हो गया है 84 डेज वैलिडिटी के साथ। और जो हमारा 598 रुपये का था 84 डेज की, वो 719 रुपये का हो चुका है। हाँ दोस्तों, और जो हमारा 698 84 डेज के लिए था अनलिमिटेड पैक, ये इसमें 2 GB पर डे मिलता था हमको, ये हो गया 839 रुपये का। और जो दोस्तों जो हम पहले क्या करते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में 2 सिम अवेलेबल रहती, जियो एंड एयरटेल एंड अदर्स, तो हम क्या करते थे कि अपनी जो पुरानी सिम्स थी उसमें क्या स्मार्ट पैक करते थे, स्मार्ट पैक का रिचार्ज करते थे, ताकि वो सिम्स कंटिन्यू चलती रहे और उस पर इनकमिंग कॉल्स आती रहे। पहले हम 48 रुपये में वो रिचार्ज करते थे, तो उसको कर दिया गया है यहाँ पर 58 रुपये का। और एक जो 58 रुपये का था उसको कर दिया गया है 118 रुपये का। और एक 251 रुपये का था वो 301 रुपये। इसमें क्या था दोस्तों, यदि आप इन रिचार्ज को नहीं करते हैं तो शायद आपकी सिम भी बंद हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थी सब प्लान्स की डिटेल्स, कौन से प्लान्स पर कितने पैसे बढ़े हैं आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर चार्ट दिया हुआ है, सब देख सकते हैं कि कितनी वैलिडिटी है। वैलिडिटी सबकी सेम है लेकिन प्राइस इंक्रीज कर दिए गए हैं। हाँ दोस्तों, और ये 26 नवंबर से लागू हो जाएंगे। यदि आपने आपका रिचार्ज आज या कल या 26 नवंबर को ही ख़त्म होने वाला है तो उसे पेंडिंग में डालकर, जैसे आप जियो में जाते हैं, जियो में जियो ऐप से पहले से एडवांस रिचार्ज कर सकते हैं, और वो जैसे आपका रिचार्ज ख़त्म होगा तो तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा उसी प्राइस में। जैसे मतलब 26 नवंबर से प्राइस बढ़ेंगे तो पहले ही एक्टिव हो जाएगा, पहले पुराने वाले प्राइस पर ही। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही पर अपनी राय हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमारा एक उत्साह बढ़ता है, ताकि हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आते रहें। तो चलिए आज के लिए बस इतने।